गर्भावस्था हर माँ का नया जन्म और संतान के साथ नए जीवन की शुरुआत के रूप में माना जाता है। इस समय नया साल नई सोच, नई प्रेरणा, नए उत्साह को जीवन में लाता है। आज इसीलिए मैं आपको नए साल पर लेने वाले 5 ऐसे मुख्य रेजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी, जिसे अगर आपने अपना लिया तो आप अपनी संतान का जीवन तो सवार ही देगी, साथ ही उन्हें सुखद समृद्ध जीवन देने के लिए यह संकल्प बहुत काम आएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला संकल्प है, मैं समय का सदुपयोग करूंगी। सभी महापुरुष कहते हैं जीवन ही समय है, पर आजकल मैं अधिकतर महसूस करती हूँ कि सब काम के बाद भी गर्भवती को जो भी समय मिलता है उसमें से वे अधिकांश समय यूं ही स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देती है। सच बताऊं, मुझे मेरी गर्भावस्था में इस बात का पूर्ण एहसास था कि यह स्वर्णिम समय मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। आज भी मुझसे जुड़े पार्टिसिपेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय महाअनुसार ध्यान, जप, संवाद, प्रार्थना, स्वाध्याय में बिताते हैं और उन्हें इसके बहुत ही सुखद लाभ अपनी संतान में दिखते हैं। इसलिए आप भी यह संकल्प जरूर लें। दूसरा संकल्प, मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहूंगी। देखिए, परेशानी किसके जीवन में नहीं आती, पर उनसे परेशान होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहने का संकल्प हर गर्भवती को लेना चाहिए। इसके लिए वे माता सीता से भी प्रेरणा ले सकती है कि गर्भावस्था जैसे समय पर भी, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी, कैसे हमें प्रसन्न रहकर सिर्फ संतान के पोषण पर ही ध्यान देना है, क्योंकि वे ही हमारा सच्चा भविष्य है। तीसरा संकल्प है, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी। गर्भावस्था जैसे समय जब माँ के खाद्य पदार्थ द्वारा ही भीतर संतान का शारीरिक विकास हो रहा है, वहाँ हर माँ को संकल्प लेना चाहिए कि वे शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक अन्न ही खाएगी। इसमें पिता और परिवारजन को भी माँ का साथ जरूर देना चाहिए, ताकि गर्भवती यह सारे नियम बहुत ही आसानी से निभा पाए। चौथा संकल्प, मैं श्रेष्ठ दिनचर्या अपनाऊंगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि सबके जीवन की कुछ प्रायोरिटीज है, कुछ व्यस्तता है, फिर भी मुझे लगता है कि हर गर्भवती को कुछ ऐसी दिनचर्या जरूर अपनानी चाहिए जिसमें वे कुछ समय सिर्फ खुद के लिए निकाल पाए, कुछ समय वह अपने परिवार के लिए निकाल पाए, कुछ समय वह अपने भगवान के लिए निकाल पाए। इस प्रकार हम जीवन में आत्मिक सुख, पारिवारिक प्रेम और कृतज्ञता को बढ़ा पाते हैं, जो संतान के बेहतर विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। पांचवा संकल्प, मैं सत्संग करूंगी, अर्थात अच्छे लोग या पॉजिटिव लोगों की ही संगति करूंगी। देखिए, हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा वह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन विचारों के साथ रह रहे हैं। आपको गर्भावस्था में पॉजिटिव लोगों की ही संगति करनी चाहिए, जो आपको स्ट्रेस फ्री रहने में, खुश रहने में, मोटिवेटेड रहने में मदद करे। इसके लिए आप कुछ अच्छे गर्भ संस्कार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वह ना कर पाए तो नित्य आपको कुछ अच्छी किताबों का संग जरूर करना चाहिए, वे भी आपको जीवन में सद प्रेरणा देने में बहुत मदद करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आप इन संकल्पों को नए साल में अपनाएंगे तो निश्चित ही इसके बहुत ही शानदार प्रभाव आप अपनी संतान में अनुभव करेंगे। आपको यह संकल्प कैसे लगे, साथ ही इसके अलावा और क्या संकल्प आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।